गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EVS या SST में आपकी जो बुक है एक्सप्लोरर, ए बुक ऑफ सोशल स्टडीज़, इसमें फर्स्ट और सेकंड लेसन हमने कंप्लीट किया था। अब हम फोर्थ लेसन आज स्टार्ट करेंगे। थर्ड को एक बार बाद में करेंगे, अभी थर्ड लेसन नहीं पढ़ते, पहले फोर्थ करेंगे, ठीक है। फोर्थ लेसन है आपका सोयल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और उनमें कौन सी फसल उगती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। जो सोयल होती है वो होती क्या है, जो मिट्टी की परत, सबसे ऊपर वाली परत जो हमें दिखाई देती है वो मिट्टी होती है, ठीक है। उसी के अंदर पौधे हैं वो उगते हैं, उसी के अंदर पौधे ग्रोथ करते हैं। हमारे खाने का जो भी हम सामान, जो भी हम पौधे उगाते हैं वो सारे उसी में उगते हैं। तो इसमें हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्ट द चैप्टर वाले पॉइंट हम एक बार रीड कर लेते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सोयल। पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो सतह होती है उसे सोयल कहते हैं, यानी उसे मिट्टी कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ लार्ज पीसीज ऑफ रॉक इनटू स्मॉल वन ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेरियस नेचुरल फोर्सेस। ये बनती कैसे है, जब बड़ी चट्टानें होती हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े, जब वो टुकड़ों में टूट जाती हैं, जैसे अगर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो चट्टान जो है वो टूट जाती है और पानी के साथ बहती, आपस में टकराती हुई, उसके और पीस जो है वो छोटे होते जाते हैं। द स्मॉलर पीस आर फर्दर ब्रोकन डाउन इन टू सेंड एंड सिल्ट। और जो है वो जो छोटे टुकड़े होते हैं वो फिर से आगे टूटते हैं, वो किस में टूटते हैं, आपके मिट्टी में और गाद में। सिल्ट होती है गाद, यानी मिट्टी जो होती है ना वो। वाटर एंड विंड कैरी इट टू डिफरेंट प्लेसेस। जो पानी और हवा है इसे उड़ाकर और बहाकर अलग अलग जगहों पे ले जाती है। इट इज़ दस फॉर्म्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर। इसको बनने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आज हमने कहीं की मिट्टी हटा दी तो कल वहाँ दोबारा बन जाएगी। उसको बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। अब लेसन स्टार्ट करेंगे। सोयल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन जो है, हमने जो साधन हमें प्रकृति ने दिए हैं उनमें मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज इट इज़ द मीडियम ऑफ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एज वेल एज नेचुरल वेजिटेशन। क्योंकि इसी के अंदर जो है हम फसलें उगाते हैं और प्रकृति की जो वेजिटेशन है, जो प्रकृति के जो पेड़ पौधे उगते हैं, जो वनस्पति होती है, वो सारी कहाँ उगती हैं, मिट्टी में उगती हैं। तो टाइप ऑफ सोयल, मिट्टी के प्रकार कितने हैं। इंडिया पोसेसिस ए लार्ज वेराइटी ऑफ सोयल। भारत में बहुत प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, धनी है ये इस मामले में। ए वेराइटी ऑफ क्रॉप कैन बी ग्रोन ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल। इसी मिट्टी की विविधता के कारण, अलग अलग तरह की मिट्टी के कारण यहाँ अलग प्रकार की जो है फसलें उगती हैं। कहीं बाजरा ज़्यादा होता है, कहीं ज्वार ज़्यादा होती है, कहीं चावल उगाए जाते हैं, कहीं कपास लगाई जाती है। इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। पहला है आपका एलुवियल ऑयल, इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। एलोवियल ऑयल कंसिस्ट ऑफ फाइन सिल्ट ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर फ्रॉम द माउंटेन एंड डिपॉजिट इन प्लेन। जो जलोढ़ मिट्टी है वो किससे बनती है, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का जो गाद होता है वो किसके द्वारा लाया जाता है, नदियों के द्वारा, पहाड़ों से लाया जाता है और उसको मैदानी क्षेत्रों में बहाकर वो लाती है और वहीं यह रह जाता है। इट इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉयल फाउंड चीफली इन द प्लेन ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और ये मेनली कहाँ पाई जाती हैं, पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। इट इज़ आल्सो फाउंड इन कोस्टल प्लेन। ये जो तटीय मैदान होते हैं वहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाती है। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग वीट, राइस, शुगर कैन, पल्सिस, जूट एंड एट्सेट्रा। इसमें सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, आपका गेहूँ, चावल, गन्ना, दालें और पटसन इसमें उगाया जाता है। जूट को पटसन कहते हैं। ब्लैक सोयल, काली मिट्टी। ब्लैक सोयल आल्सो कॉल्ड द लावा सोयल, इसको लावा सोयल भी कहते हैं, यानी लावा मिट्टी भी कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ वोल्केनिक रॉक। ये जो ज्वालामुखी है, जो चट्टानें होती हैं उनसे बनती है। इट रिटेन्स मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। इसमें काफ़ी लंबे समय तक आपको नमी
इसके अंदर ये अपने अंदर नमी को सोख के रखती है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन सूखे दिनों में हाउएवर इट डेवलप डीप क्रैक्स, इसके अंदर बहुत सारी ऐसे दरारें पड़ जाती हैं जब सूखा मौसम होता है, यानी गर्मी के मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, गुजरात के कुछ हिस्से में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कॉटन ग्रो वेल इन दिस सॉइल, इस मिट्टी में कपास बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। दिस सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगर एज सम प्लेसेज, इसको कुछ जगहों पर रेगर भी कहा जाता है। आज हमने मिट्टी के दो टाइप पढ़े, पहला एलोवियल ऑयल और दूसरा ब्लैक सॉइल। बाकी जो सॉइल है यानी जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, बाकी के जो टाइप हैं वो हम कल रीड करेंगे। आप ये लेसन एक बार फिर से पढ़ लेना। थैंक यू बेटा।